अगर पिछले 5 महीनों में सिर्फ 120 एनकाउंटर अगर यादव के होते हैं तो एकदम साफ पता चलता है कि ये जातीय पूर्वाग्रह से, जातीय घृणा से की गई हत्याएं हैं, सरकारी हत्याएं हैं। पुलिस को पूरी तरह से गुंडे में तब्दील कर दिया गया है। लगातार बीजेपी के नेता बलात्कार कर रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके सब कुछ सबूत सामने आ रहे हैं। उनको बचाने के लिए सरकार जो है एडी चोटी का जोर लगा दे रही है। और राम राज अगर इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो देश, मैं तो इसको पिशाच राज बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ये वैम्पायर सरकार। ये ना सिर्फ किसी यादव की हत्या का मामला नहीं है, ठीक है, ये तो पुष्पेंद्र यादव से तो सिर्फ घटना है, ठीक है। यहाँ तो लगातार श्रृंखला चल रही है फेक एनकाउंटर की, ठीक है। अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला कि फेक एनकाउंटर में टॉप पे चल रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो पुष्पेंद्र यादव की हत्या है, ये तो समझिए कि इस पर ट्रिगर है, एक तो समझ से इस पर जो है हंगामा हो रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। कृष्णपाल मौर्य के साथ हुआ है, पहले भी होता रहा है। जितेंद्र, आप याद होगा नोएडा में जितेंद्र यादव को गोली मारी गई थी, और उनको सिर्फ नाम पूछ के गोली मारी गई थी, और दरोगा ने ये बोला था कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे प्रमोशन लेना है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, जिस तरह से फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से जाति के पूछ पूछ के, जाति देख देख के मारा जा रहा है लोगों को, इसलिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है यूपी भवन पे, यहाँ पे ये पुष्पेंद्र यादव की हत्या के लिए भी हो रहा है, बृजपाल मौर्या के लिए भी हो रहा है, और तमाम जो कानून व्यवस्था का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, कानून व्यवस्था एकदम ठह गई है उत्तर प्रदेश में, और उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, और ये पूरी श्रृंखला है फेक एनकाउंटर। क्या आपको ये लगता है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं इसके पीछे एक जातीय हिंसा या जातीय नफरत है क्या? बिल्कुल है, वो एकदम साफ दिख रहा है कि जातीय हिंसा, जातीय नफरत है। अगर पिछले 5 महीनों में सिर्फ 120 एनकाउंटर अगर यादव के होते हैं तो एकदम साफ पता चलता है कि ये जातीय पूर्वाग्रह से, जातीय घृणा से की गई हत्याएं हैं, सरकारी हत्याएं हैं। पुलिस को पूरी तरह से गुंडे में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस को इन लोगों ने गुंडा बना दिया है। और जिस तरह से मैं कहूंगा, मैं वकील हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने काम हैं अलग अलग, ठीक है। सरकार जो है न्यायपालिका का काम हड़प नहीं सकती है, और जिस तरह से फेक एनकाउंटर कराए जा रहे हैं, जिस तरह से आप पुलिस के द्वारा लोगों को ऑन द स्पॉट सड़क पर मरवा रहे हैं, ठीक है, ये पूरी तरह न्यायपालिका के ऊपर कब्जा करने की बात है, ठीक है। आप जो है वकील किस लिए हैं, जज किस लिए हैं, न्यायालय किस लिए बने हुए हैं, अगर आपको रोड पे न्याय करना है? आप जिस तरह रोड पे न्याय कर रहे हैं, और सरकार की पूरी सह है, क्यों? एकदम साफ दिखता है सरकार FIR नहीं होने दे रही है, ऊपर से दबाव है कि FIR नहीं हो रही है। लोग यहाँ पे बलात्कार के मामले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब यह सीमानंद का मामला था, इसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर का मामला था। लगातार बीजेपी के नेता बलात्कार कर रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके सब कुछ सबूत सामने आ रहे हैं। उनको बचाने के लिए सरकार जो है एडी चोटी का जोर लगा दे रही है। उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह एडी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं कि जो है बलात्कार के मामले में उनके खुद के पार्टी के नेताओं पे, उनके खुद की जाति के नेताओं पे FIR ना होने पाए। और यहाँ पे यादव का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, मौर्य का एनकाउंटर हुआ है, OBC के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है, लेकिन FIR करने में तमाम दिक्कतें हैं, नहीं हो रही है। रातों रात जला दिया गया पुष्पेंद्र यादव की लाश को, रातों रात पुलिस ने जला दिया। क्या ये हिंदू धर्म ये बोलते हैं हिंदू राज की, ये बोलते हैं कि हिंदुत्व की बातें करते हैं? क्या यही संस्कार है कि एक हिंदू को, जिसको एक हिंदू को रातों रात इन लोगों ने जला दिया, पुलिस ने जबरदस्ती घर वालों के मर्जी के बिना जला दिया? ये पूरी तरह से अंधा राज, गुंडा राज चल रहा है यूपी में। जब से योगी की सरकार आई है, कहा जाता है कि राम राज आ गया, और CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर कैसी ये तस्वीर है? ये कानून व्यवस्था दुरुस्त है वो उनके कहने से तो माना नहीं जाएगा। आप देखिए, आप लोग खुद देख रहे होंगे, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो सब दिख रहा है कि क्या हाल है कानून व्यवस्था का। अगर आप आंकड़ों की बात करें, मैं तो NRC का वो आंकड़ा बता रहा था, NHRC का, ठीक है, कि टॉप पे चल रहा है यूपी जो है एनकाउंटर में, टॉप पे चल रहा है, और बलात्कार, हत्या लगातार चल रही है। और राम राज अगर इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो देश, मैं तो इसको पिशाच राज बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा ये वैम्पायर सरकार है जो रक्त चूस रही है लोगों का, आम आदमी का खून चूस रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। कहीं भी रोड पे किसी का लड़का घर से निकलता है, शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई जवाबदेही नहीं है। और लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, FIR तक नहीं हो रही है, थानों का बुरा हाल है, पूरा पॉलिटिकल रंजिश जो है की जा रही है। पहले अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, उस तरह से यादवों से मतलब रंजिश के बिना पे गोलियां चलवाई जा रही हैं, मरवाया जा रहा है उनको, पूरी तरह से जातिगत रंजिश, राजनीतिक पॉलिटिकल राइवलरी, सबको पूरी तरह से सरकार ने एकदम जो है सारे तंत्र को अपने हाथ में लेके गुंडागर्दी पूरी तरह कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या, किसके, किसको मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को मैसेज देना चाहते हैं, हम राष्ट्रपति को मैसेज देना चाहते हैं कि
जितना बुरा हाल इस समय उत्तर प्रदेश का हो चुका है, अगर कोई और सरकार होती, अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बैठी होती, तो अब तक राष्ट्रपति शासन की बातें होने लगती। अब तक ये जबरदस्ती जो है सरकार गिरवा देते, ठीक है, लेकिन चूंकि बीजेपी का शासन है वहां पे, यहां के सेंटर में भी बीजेपी बैठी हुई है, तो कोई सुनवाई नहीं है। मीडिया देखिए, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अपने को मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता है, वो इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है, इतना ज़्यादा विभत्स रूप ले लिया है कि कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है उत्तर प्रदेश में, कोई खबर नहीं दिखा रही है। ये जो है मोदी जी कचड़ा बीन रहे हैं, जाके नौटंकी कर रहे हैं कचड़ा बीनने की, उस नौटंकी को दिखाने में इंटरेस्ट है उसको, ठीक है। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, 42 वीडियो वायरल होते हैं, ठीक है, उस सीमानंद के 42 वीडियो वायरल होते हैं, पब्लिक स्पेस में चल रहे हैं। इनकी इनको शर्म आनी चाहिए कि वो बलात्कार पीड़िता के अगेंस्ट वो FIR करवाते हैं, उसको जेल में डलवाते हैं। इतनी ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, कानून व्यवस्था की बात ही करना मतलब बेमानी है इस समय उत्तर प्रदेश में। योगी जो खुद एक गुंडा रहा है, ठीक है, खुद उसके ऊपर 19-19, 20-20 मामले, संगीन मामले, हत्या के मामले, दंगा फैलाने के मामले तमाम चलते रहे। आज वो मतलब बात कर रहे हैं रामराज की, वो तो पब्लिक देख रही है ना, क्या रामराज। अगर रामराज यही है तो मैं यही कहूँगा कि संपूको का पथ हो रहा है। अगर यही रामराज है तो मैं इसको कहूँगा कि राम, इनके रामराज का मतलब है सवर्णों का राज, इनके रामराज का मतलब ब्राह्मणों ठाकुरों का राज, इनके रामराज का मतलब है वही रामराज जो पहले बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता था कि ठाकुर साहब हत्या करेंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे और उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वही हो रहा है। और इसको सह दी जा रही है, पुलिस के पीछे पूरा संरक्षण है, ठीक है, थानों को पूरा कब्जा कर लिया गया, पॉलिटिकल पूरा तरह राजनीतिकरण कर दिया गया है पुलिस का, तो मतलब शर्मनाक है, मैं क्या बोलूं। एक सवाल और है, मैं नहीं समझता कितना उचित है अनुचित है। तिवारी हत्याकांड होता है लखनऊ में तो पूरा मीडिया, लोग बहुत सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन इस तरह से जब यादवों की, जाटवों की और मुस्लिमों की हत्याएं हो रही हैं, तब लोग सड़कों पर, या मीडिया क्यों नहीं बोलता इतना? देखिए मीडिया नहीं बोलता है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये जातिवाद है इस देश में इतने चरम पे है, ठीक है, किसी भी संस्थान में, जो भी संस्थान है, जहाँ पे भी सवर्णों का कब्जा है, वहाँ पे आपके खिलाफ, OBC के खिलाफ, दलित के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अगर एट्रोसिटी होती है तो उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान नौटंकी करने पर रहता है, जादू टोना दिखाने पर रहता है, उनका ध्यान जो है मोदी जी की नौटंकी दिखाने पर रहता है, जो नौटंकी लगातार करते रहते हैं पब्लिक स्पेस में बने रहने के लिए, वो दिखाने पर होता है। पूरी तरह सरकार ने आँख मूंद लिया है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, ढह चुकी है। और इतना मतलब जो आपका सवाल था कि विवेक तिवारी वाला जो आपने बोला, तो देखिए सीधे सीधे मामला है पॉलिटिकल, जो राजनीतिक प्रिविलेज, जातिगत जो प्रिविलेज है, ठीक है ना, कास्ट प्रिविलेज इसको बोलते हैं, कि आपके लोग जब मीडिया में बैठे होंगे, न्यायालय में बैठे होंगे, थाने में बैठे होंगे, और हर जगह जहाँ पे पावर है, सेंटर ऑफ पावर जहाँ पे है, वहाँ पे जब आपका आदमी बैठा होगा तो फिर आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बात उठाएंगी, दूसरी पार्टी आपकी बात उठाएंगी, तो मीडिया वाले आपकी बात उठाएंगे। मीडिया जो है जितना हल्ला मचाता है विवेक तिवारी के एनकाउंटर पे, पुष्पेंद्र यादव पे नहीं उठाता, विश्वाल मौर्य पे नहीं उठाता, किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग पे नहीं उठाता, ठीक है, वो नौटंकी दिखाता रहता है उस समय। ये क्या है, ये पूरी तरह जो है जातीय घृणा है, ठीक है, जातीय नफरत है, जिसको पूरी तरह सह दी जा रही है इस भाजपा सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो। और यूपी की सरकार तो उसको सरकार कहना मतलब बेमानी है, ठीक है, गुंडा राज चल रहा है, पूरी तरह पिशाच राज चल रहा है। मतलब इस समय जो कंडीशन है, अगर कोई भी सरकार दूसरी सरकार होती तो इस सरकार को गिरा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। लेकिन बहुत शर्मनाक है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह गुंडा राज फैला रखा।